मोटर रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आर बेस्ड ऑन ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो रिसेप्टर होगा, दूसरा एफरेंट आर्क या फिर एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन हो भी सकते हैं नहीं भी, इफरेंट आर्क और एक इफेक्टर। ये रिफ्लेक्स के कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल है मायोटेटिक रिफ्लेक्स। मायो मीन्स मसल से रिलेटेड है, तो जो रिसेप्टर का काम करेगा होगा मसल स्पिंडल, एफरेंट सेंसरी नर्व, इफरेंट मोटर नर्व एंड स्टेटेड मसल फाइबर जो हैं इफेक्टर का काम करेंगे। तो ये मायोटेटिक रिफ्लेक्स एग्जाम्पल है एक। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स में रिफ्लेक्स को क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से, एक तो क्लिनिकल के बेसिस पे, दूसरा उसके पाथवेज पे। सेगमेंटल, इंटर सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल रिफ्लेक्स। सुप्रा सेगमेंटल रिफ्लेक्स का पाथवे काफ़ी लॉन्ग होता है। सेगमेंटल पाथवे का एग्जाम्पल है टेंडन रिफ्लेक्स। क्लिनिकल बेसिस पे अगर देखते हैं कि रिफ्लेक्स कहाँ पे हो रहा है, अगर सुपरफिशियल में हो रहा है तो सुपरफिशियल डीप या फिर विसरल, सुपरफिशियल डीप विसरल रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल में प्लैंटर रिफ्लेक्स, डीपली सिचुएटेड होते हैं तो टेंडन, तो टेंडन रिफ्लेक्स, एंड विसरल में पेपिलरी रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल डीप विसरल, सुपरफिशियल में प्लैंटर, डीप में टेंडन रिफ्लेक्स और विसरल में पेपिलरी रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर यूजुअली इंटर सेगमेंटल। एक होता है पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स जो कि होता है बबिंस्की रिफ्लेक्स। प्लैंटर रिफ्लेक्स अल्टर्ड हो जाता है तो होता है बबिंस्की रिफ्लेक्स, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स की पांच प्रॉपर्टी होती हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन, रीबाउंड एंड रेंशो इनहिबिशन। कन्वर्जेंस में या तो फैसिलिटेशन होगा या इंक्रीज डिस्चार्ज होने लग जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क का डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया तो फैसिलिटेशन, डिस्चार्ज अगर कम हो रहा है तो ओक्लूजन। डाइवर्जेंस में एक एफरेंट नर्व फाइबर है, एक एफरेंट नर्व फाइबर काफ़ी सारे स्पाइनल न्यूरॉन को एक्साइट करता है, डाइवर्जेंस। पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन, एफरेंट नर्व फाइबर रिपीटिवली स्टिमुलेट होता है, उस जो स्टिमुलस आ रहा है उससे पहले ही, तो उससे जो रिस्पॉन्स है रिफ्लेक्स का वो बढ़ जाता है। पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन में सिंगल स्टिमुलस आने से पहले जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं वो रिपीटिवली स्टिमुलेट होते रहते हैं, तो इससे जब वो स्टिमुलस आता है तो रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाता है, यही है पोस्ट टिटेनिक पोटेंशिएशन। रीबाउंड, इनहिबिशन फॉलोड बाय इंक्रीज एक्साइटेशन। रेंशो इनहिबिशन एक नेगेटिव फीडबैक है जो कि रिफ्लेक्स के डिस्चार्ज को कम करता है, इनहिबिट करता है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड विड्रोल रिफ्लेक्सेस। जब हमारे स्किन पे कुछ भी स्टिमुलस आता है तो हमारी फ्लेक्सर मसल्स में यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन होता है लिम्स में, विड्रोइंग द लिम्स फ्रॉम द स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट। इसको नोजियोसेप्टिव रिफ्लेक्स या फिर पेन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस है वो इन पेन एंडिंग्स, जो फ्री नर्व एंडिंग है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। टच रिसेप्टर्स भी इस रिफ्लेक्स को ओरिजिनेट कर सकते हैं बट वीकली। विड्रोल रिफ्लेक्स, अब लिम्स में तो फ्लेक्शन हो जाएगा, फ्लेक्सर मसल्स हैं, लेकिन जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो भी जो स्टिमुलस है उससे दूर भागना चाहेंगे, तो वो विड्रोल होगा उसमें भी। मैनी पैटर्न्स ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी अदर देन लिम्स आर कॉल्ड विड्रोल रिफ्लेक्सेस। न्यूरोनल मैकेनिज्म ऑफ फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिक टाइप ऑफ सर्किट तीन होते हैं, डाइवर्जिंग सर्किट्स, रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट एंड सर्किट टू कोज आफ्टर डिस्चार्ज। जो डाइवर्जिंग सर्किट्स हैं वो क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स को स्प्रेड करते हैं, जो भी नेसेसरी मसल है जिनमें कि विड्रोल होना है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंटागोनिस्ट मसल्स को इनहिबिट कर देगा, एक मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन तो दूसरे में इनहिबिशन। थर्ड होता है आफ्टर डिस्चार्ज, कोई स्टिमुलस है जैसे कोई पेन स्टिमुलस है, रोड पे पत्थर पड़ा है, पेन स्टिमुलस हट गया लेकिन फिर भी विड्रोल रिफ्लेक्स चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से। रिफ्लेक्स लास्ट मैनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर द स्टिमुलस इज ओवर। ये जो आफ्टर डिस्चार्ज, ये डिपेंड करता है स्टिमुलस कैसा है। अगर टैक्टाइल स्टिमुलस है, किसी ने टच किया, तो आफ्टर डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर पेन स्टिमुलस है, स्ट्रॉन्ग पेन स्टिमुलस, तो आफ्टर डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा। आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से जो इरिटेटेड पार्ट है बॉडी का वो स्टिमुलस से दूर रखा जाता है 0.1 to 3 seconds के लिए। बेसिक सर्किट्स में कोई स्टिमुलस है, पिन प्रिक हुआ या कुछ भी हुआ, तो फ्लेक्सर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सटेंसर मसल्स में होगा इनहिबिशन, ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन है। डिस्चार्ज सर्किट्स होते हैं जो कि नेसेसरी मसल्स को विड्रॉल कराते हैं। थर्ड जो होते हैं वो होते हैं आफ्टर डिस्चार्ज सर्किट्स, तो तीन सर्किट्स हैं, आफ्टर डिस्चार्ज सर्किट्स, रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट्स और डाइवर्जिंग सर्किट्स, ठीक है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो एक लिम्ब में तो होगा फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, तो दूसरे में होगा क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, इसमें एक्सटेंशन होगा पूरे लिम्ब में, ये लिम्ब दूर जाएगा बॉडी से ताकि पेन स्टिमुलस से पूरी बॉडी को अवे रखा जा सके।
ये 0.2 टू 0.5 सेकंड्स के बाद में स्टार्ट होता है क्रोस्ट एक्सटेंसर रिफ्लेक्स. 0.2 टू 0.5 सेकंड आफ्टर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इन वन लिम अपोजिट लिम बिगिंस टू एक्सटेंड. सेंसरी नर्व क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड ऑफ कॉर्ड में और एक्साइट करते हैं एक्सटेंसर मसल को. टाइम डिले 200 टू 500 मिली सेकेंड्स का होता है, तो इससे पता चल रहा है कि टाइम डिले ज़्यादा है तो इंटरन्यूरॉन्स ज़्यादा है. आफ्टर डिस्चार्ज जो क्रोस्ट एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है उसमें आफ्टर डिस्चार्ज ज़्यादा होता है ड्यू टू रिवर्बरेटिंग सर्किट्स अमोंग इंटरन्यूरोनल सेल्स. ये इंटरन्यूरोनल सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल को आगे भेजते हैं, तो कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं कि सेम उसी को वापस एक्साइट कर देते, तो ये होते हैं रिवर्बरेटिंग सर्किट्स. इनकी वजह से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है क्रोस्ट एक्सटेंसर रिफ्लेक्स में. अब आते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनर्वेशन. स्ट्रेस रिफ्लेक्स एक्साइट वन ग्रुप ऑफ मसल एंड इनहिबिट एंटागोनिस्टिंग मसल. तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल इनहिबिशन, और जो इसका सर्किट है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन. न्यूरोनल सर्किट दैट कॉजेज दिस रेसिप्रोकल रिलेशन. स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस दैट कॉजेज मसल स्पाज्म. मसल स्पाज्म में सडनली मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. लोकलाइज्ड पेन इज द कॉज ऑफ लोकल स्पाज्म. मेनली ये कॉज होता है लोकलाइज्ड पेन, इसी की वजह से मसल स्पाज्म होता है. मसल स्पाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम ए ब्रोकन बोन. अगर कोई बोन ब्रोकन है तो वहाँ से पेन इम्पल्सेस जाएंगी, और जो उस पे मसल्स अटैच्ड हैं उस बोन पे उसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मसल स्पाज्म होगा ब्रोकन बोन की वजह से. लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जो बोन टूटी हुई उसकी एज पे, या फिर डीप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पूरी बॉडी का जिससे कि रिलीव हो जाता है स्पाज्म. डीप जनरल एनेस्थीसिया में ईथर. एब्डोमिनल मसल स्पाज्म इन पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन या फिर कोई सर्जिकल ऑपरेशन जब करते हैं तो डीप एनेस्थीसिया देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर नहीं दिया तो क्या होगा, पैराइटल पेरिटोनियम से पेन स्टिमुलस जाएंगी और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, तो जो भी सर्जिकल वुंड है जो जिस ऑपरेशन कर रहे हैं उससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगी, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा मसल स्पाज्म की वजह से. तो डीप एनेस्थीसिया देते हैं एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन में. मसल क्रैम्प. मसल क्रैम्प भी एक लोकल टाइप का स्पाज्म ही है. जिसके कोज क्या हैं, कोई भी लोकल इरिटेटिंग फैक्टर या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ मसल, जैसे कि सीवियर कोल्ड है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो या फिर ओवर एक्सरसाइज, इनसे क्या होता है पेन स्टिमुलस एलिशिएट होते हैं स्टार्ट होते हैं, या फिर अदर सिग्नल जो कि जाएंगे स्पाइनल कोड में, मसल टू स्पाइनल कोड जाएंगे और वहाँ से रिफ्लेक्स फीडबैक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक आएगा और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. रिफ्लेक्स फीडबैक में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ेगी, पॉजिटिव फीडबैक डेवलप हो जाएगा. तो अगर स्टार्टिंग में कोई भी इनिशियल इरिटेशन हो गया मसल में तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते रहेंगे, रिफ्लेक्स चलता रहेगा, रिफ्लेक्स फीडबैक मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा और लास्ट में जाके फुल ब्लोन मसल क्रैम्प हो जाएगा.